हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम बनाने वाले हैं बिल्कुल न्यू नाश्ता, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि खट्टा या तीखा कुरकुरा खाने का मन हो तो इसको अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। एक बार बनाएंगे, मेरी गारंटी है, इसे बार बार बनाने का मन करेगा। चलो तो इसका बनाना बहुत ही ईजी है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कैसे हमें बनाना है, यहाँ पर हमने आलू और मक्के उबाले थे, क्योंकि मक्के और आलू हमने एक साथ ही बोल किए थे, दोबारा बोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर हमने अब इसको हमें छान लेना है, मक्के को हमें ऐसे ही निकाल लेना है, एक छलनी के की मदद से इसको हमें निकाल लेना है। एक कटोरी के लमसम ये मक्के हैं, मक्के अच्छे से पक चुके हैं, ऐसे ही हमें देख लेना है। अब यहाँ पर हमने तीन आलू लिए थे, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आलू ले सकते हैं। आलू हमें बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, हमें 80% ही आलू उबालने हैं, बहुत ज़्यादा आलू नहीं उबालने हैं। क्योंकि आलू ज़्यादा उबाल देंगे तो इनके पीसेज नहीं बन पाएंगे, फूट जाएंगे तो इसके पीसेज अच्छे नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही हमें आलू के पीसेज बनाने हैं, पीसेज हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि हमें छोटे बड़े पीसेज अपनी हिसाब से ही रखने हैं। हमने यहाँ पे इतने बड़े पीसेज बनाए हैं, आप लोगों को जैसे पसंद आते हैं वैसे बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीसेज हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, इनको हमें अब फ्राई करना है। यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन में हमने तेल डाला है, तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उतना ही तेल लेना है जिससे कि आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं। तेल हमें ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा तेल नहीं गर्म होगा तो आलू नीचे लग जाएंगे, ज़्यादा तेल गर्म होगा तो आलू लगने के चांसेस कुछ कम रहेंगे। ऐसे ही हमें हाई फ्लेम पर इसको भूनना चाहिए, ऐसे ही हमें सारे आलुओं को उलट पुलट के फ्राई कर लेना है, जब तक कि अच्छे से गोल्डन ना हो जाए, तब तक के लिए हमें ऐसे ही उलट पुलट के ब्राउन करने तक रखना है। आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं। इनको हम एक प्लेट में अब निकाल लेंगे, साइड में करके इनको हम एक प्लेट में ऐसे ही निकाल लेंगे। अब जो बचा हुआ तेल है उसी में हमें ये मक्के डालने हैं, मक्कों को हमें पिलाई करना। आप देख सकते हैं मक्का हमें ऐसा ही लेना है, बिल्कुल कच्चा मक्का, जिसमें हम नाखून लगाएं तो नाखून बन जाए, ऐसे ही हमें मक्के लेना है, ज़्यादा पका मक्का नहीं लेना है। अब इसी में हमें इन दानों को डाल देना है, ऐसे अच्छे से इनको भी फ्राई करना है, जब तक कि अच्छे से खूब कुरकुरे ना हो जाएं। अगर कुरकुरे नहीं होंगे तो चाट खाने में मज़ा नहीं आएगा, चाट कुरकुरी और तीखी चटपटी ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं इनको हमें ऐसे ही हाई फ्लेम पर इनको भी हमें भूनना है, अच्छे से गोल्डन होने तक अच्छे से इनको चला चला के भूनना है। अब हम दाने अच्छे से भून चुके हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें ब्राउन करने तक भूनना है, ऐसे एक प्लेट में निकाल कर हमें रख देना है। अब देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही बढ़िया आया है, ऐसे ही हमें थोड़ा सा तेल लेना है, तेल में थोड़ा जीरा, जीरा हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, जितनी चाटती उतने हिसाब लिया। यहाँ पर हमने छोटा सा एक तेज़पत्ता का पत्ता लिया है, अगर आपके पास हो तो डाल लेना, हो तो कोई बात नहीं, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए हमने तेज़पत्ता का पत्ता लिया है। आप लोगों को पसंद हो तो ले, ना पसंद हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास हरा धनिया नहीं था, यहाँ पर मेथी पत्ता हमने लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हमारे मसाले भुन चुके हैं, यहाँ पर हमने सारी आलू और मक्के इसी में ऐड कर देने हैं, अच्छे से उनको मिलाते हुए खूब अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ये मसाले इसमें खूब अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। ऐसे ही हमें खूब घुमा घुमा कर उनको भूनना है। यहाँ पर हमने एक चम्मच नमक लिया है, नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है, इसी में ऐड कर देना है नमक, खूब अच्छे से इसको चला देना है, जिससे कि इसमें नमक और मसाले अच्छे से ऐड हो जाएँ। यहाँ पर हमने प्याज और हरी मिर्च ली है, क्योंकि हमें तेल में नहीं डालना है प्याज मिर्च, क्योंकि कच्चे प्याज रहते हैं तभी चाट खाने का मज़ा आता है। ऐसे ही हमें बहुत हल्की फ्लेम कर लेना है, क्योंकि कच्चा प्याज ही चाट में जान डालता है। ऐसे ही हमें हल्के ऐसे ही घुमाकर इसमें मिला लेना है, क्योंकि कच्चा ही प्याज रखना चाहिए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगने वाला है। यहाँ पर हमने आमचूर की खटाई ली है, आम के पास अगर पाउडर हो तो पाउडर डालें, ना पाउडर हो तो कोई बात नहीं। हमने खट्टी चाट बनाई है, यहाँ पर खट्टा करने के लिए खटाई डाली है, ऐसे ही अच्छे से इसमें मिला दें, इसका खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है।
आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। अब फ्लेम को हमें बंद कर देना है। यहाँ पर हमने टमाटो सॉस लिया है, क्योंकि खट्टी मीठी चाट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप लोगों को कैसी पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से हमने मिला लेना है, देख सकते हैं बहुत ही खाने में ज़्यादा टेस्टी आती है। यहाँ पर हमने हमारे घर का नींबू था, हमने नींबू थोड़ा सा नींबू डाला है इसमें। इसमें नींबू तो जान डाल देता है चाट में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ऐसे ही हमें इसको मिला लेना है और एक प्लेट में सर्व करना है। एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। निकालने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आया है। अब आप देख सकते हैं हमारी मक्का आलू चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आ जाइए आप लोग खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया ये लगने वाली है। तो हमारा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।